महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नमत है: धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 04600100006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 5020006637 42, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर चेतना नगर औरंगाबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 4070166 1398, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। बोलिए शंभुनाथ भगवान की जय, चौबीस तीर्थंकर भगवान की जय, आशीष गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय, धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय, नमो सूर्य नमो सूर्य नमो सूर्य देव। धर्म स्नेही महान भगव शंभुनाथ भगवान महाश्रमण तीर्थंकर शंभुनाथ, जिन्होंने शुद्ध बुद्धि से मार्ग श्री शुक्ला पूर्णिमा को दीक्षा ग्रहण की और प्रथम पारणा सुरेंद्र दत्त नाम के महान पुण्यात्मा जीव ने पारणा कराया और भगवान प्रथम पारणा करके वन की ओर विहार कर गए, मौन धारण कर लिया, जब तक मैं पूर्ण सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं मौन रहूंगा। उनकी चर्या अति उत्कृष्ट चर्या थी, वे समय चरित्र का पालन करते थे, महीनों महीनों एक स्थान पर खड़े होकर वह घोर कठोर ध्यान करते थे। कभी गर्मी के दिनों में पहाड़ की चोटी पर सूर्य को देखते हुए आतापन युग धारण करते थे, कभी वर्षा ऋतु में वृक्षों के मूल में बैठकर वृक्ष मूल योग धारण करते थे और कभी वे नदी किनारे जहां ठंडी हवा चलती थी, कभी हिमालय की तराइयों में जहां हिमपात होता था, ऐसे स्थान पर अभावकाश योग धारण करते थे और कभी 4 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 8 दिन में, 15 दिन में पारणा को उठते थे। कभी 1 माह का उपवास, कभी 2 माह का उपवास, कभी 4 माह का उपवास, कभी 6 माह का उपवास और कभी 1 साल का उपवास करके भगवान पारणा को जाते थे। और जो भव्यात्मा बहुत विशेष पुण्यात्मा होता था उसके घर पर भगवान का पारणा होता था। भगवान की चर्या चांद्री चर्या थी, जैसे चंद्रमा हर एक घर पर अपनी चांदनी बिखेरता है, ऐसे ही भगवान चाहे
कोई राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे मंत्री हो चाहे सेनापति हो, जंगल हो वन हो, हर जगह उनकी छड़िया होती थी, पर 24 घंटे में एक बार आहार छड़िया करते थे, क्रिया समिति का पालन करते थे, हर 2 माह में 3 माह में केशों का लोचन करते थे और 12 तपों की कठोर साधना भगवान करते थे, 22 परिशों को भगवान सहन करते थे और ऐसी साधना करते 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 भगवान का 14 वर्ष छद्मस्थ अवस्था में मुनि अवस्था में मौन से उनके बीत गए। तने को तपाए मन को तपाए ध्यान लगाए योग लगाए जय संभवनाथ बोलो जय जय संभवनाथ जय संभवनाथ बोलो जय जय संभवनाथ। 14 वर्ष छद्मस्थ कहाए दीक्षावन में प्रभु वर आए जय संभवनाथ बोलो जय जय संभवनाथ जय संभवनाथ बोलो जय जय संभवनाथ। महान भावों भगवान मुनि अवस्था में मौन रह करके धर्म ध्यान करते हुए संपूर्ण भारत क्षेत्र में आर्यखंड में विहार करते 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 पुनः दीक्षा वन में आए। वह दिन था कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का दिन था, कार्तिक श्याम चौथ का दिन। उस दिन भगवान सार्वजनिक वृक्ष के नीचे, जिस दिन जन्मकालीन वृक्ष नक्षत्र का उदय था, तब भगवान सांझ की वेला में ध्यान साधना में लीन हुए। वेला का नियम देकर भगवान सार्वजनिक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। भगवान ने चपक श्रेणी आरोहण किया, अधःकरण अपूर्व करण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानों को प्राप्त करते हुए अपनी मोहनी कर्म की किस प्रकृतियों की क्षपणा करते हुए भगवान 10वें गुणस्थान में सुख संप्राय में आए और सुख संप्राय में संपूर्ण कषाय चरित्र मोहनी को क्षय करके भगवान अंतर मुहूर्त में ही 10वें से 12वें गुणस्थान को प्राप्त हो गए। छद्मस्थ वितरा गुणस्थान और 12वें गुणस्थान में भगवान ने पहले ही मोहनी कर्म का क्षय कर दिया था, इसलिए भगवान क्षीण मोह थे। 12वें गुणस्थान में भगवान ने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय कर दिया। क्षय करते ही सांझ की वेला में भगवान के 4 घातीय कर्मों के नाश होते ही भगवान अनंत चतुष्टय के धारी बन गए। उन्हें अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो गया, वे सर्वज्ञ हो गए। और जैसे ही 4 घातीय कर्म का क्षय होता है, भगवान धरती से ऑटोमेटिक 5000 धनुष ऊपर अधर में जाकर के विराजमान हो जाते। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी प्यारी